रेड जोन में शामिल सहारनपुर में लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन राजनीति व दबंगे के चलते शारदा नगर का एक बेकरी मालिक जिला प्रशासन की सारी कवायद को पलीता करते हुए लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। बार बार रोकने और पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई तो मोहल्ले वासी एकत्र होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम साहब को इस मामले से अवगत कराया। जिला मुख्यालय पहुंचकर लोगों ने बताया कि शारदा नगर की रिहायशी गली में मानकों की तक पर चलाई जा रही बेकरी का स्वामी अपने राजनीतिक रसूख के चलते न केवल फूड्स का निर्माण करने के साथ ही रिटेल में बिक्री भी कर रहा है, जिस कारण सुबह से शाम तक उनकी गली में भीड़ लगी रहती है। चिंता की बात यह है कि ये संवेदनशील इलाके से लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। स्वामीनाथ, क्या मामला है सर? मामला है कुटिया वाली गली में बेकरी फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्री चल रही है सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक लेबर उनके काम करती है, 6-7 लेबर हैं और हमारे लोगों की इतनी परेशानी है, बहुत दिक्कत हो गई है। और हमने फिर क्या करा है, हमने कुतुब से थाना चौकी लेबर कॉलोनी में शुगर मिल में दी है। शुगर मिल में हमने दी है, 2 कांस्टेबल आए हैं और कांस्टेबल ने आया और उस बात को देखभाल के अपना चुपचाप ले दे के चले गए और कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए हमने ये कार्रवाई हमने डीएम साहब को दी है और इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा रहती है, दूर से लोग आते हैं और पूरा महीना हो गया है लॉकडाउन को और फिर भी 1000 लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। और उस क्षेत्र से लोग आते हैं जहाँ पर लोग मतलब बंद है वहाँ पर बिल्कुल, और यहाँ हमारे यहाँ से आकर फैक्ट्री से मोहल्ले की फैक्ट्री से आकर वो बंद और रस ले जाते हैं। ये अपनी दुकानदारी के लिए लोगों को जिंदगी का दाव पर लगा रहा है और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है और ना ही किसी पर मास्क और ना ही सैनिटाइजर का कोई उपयोग कर रहा है। और अब फैक्ट्री के वर्कर खुलाआम घूमते हैं, इनके यहाँ लेबर काम कर रही है उनके लिए भी खतरा है और पूरे मोहल्ले के लिए भी खतरा है। यह सुबह शाम तक सामान बाहर लगा रहता है, इनका भीड़ लगी रहती है वहाँ पर मोहल्ले के, और लोगों को घर से निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है, कई बार 10 बार सोचना पड़ता है और गली में फैक्ट्री के बाहर भी भीड़ लगी रहती है। पहले हमने जिससे पूरे मोहल्ले के लोगों में दहशत बनी हुई है, आइए सुनिए लोगों ने क्या कहा। बड़ा सवाल है, आखिर एक माह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाले बेकरी संचालक पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कुछ नेता इनको शह दे रहे हैं या कुछ कर्मचारी अपने तुच्छ स्वार्थ के कारण? पूरे जिले प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, खासकर जिले को बचाने में रात दिन एक कर जुटे जिलाधिकारी और SSP की मेहनत पर आखिर पानी क्यों फेरना चाहते हैं?